Hi everyone, today we are going to learn about angle attack follow indicator जो आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। मैंने फेवरेट में ऐड कर दिया है, आप भी सेम सिर्फ एंगल टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा, राइट। चलिए दोस्तों सीखते हैं। यू कैन कैच द ट्रेंड इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर। चलिए दोस्तों करते हैं शुरू। चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। याद आता है तो मैं बोल देता हूँ, अभी मैंने कर दिया है ऐड इसको। दिस इज़ द बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर चार्ट। ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी में बहुत कंफ्यूज है, बहुत लोगों ने शॉर्ट करते रहते हैं, कोई लॉन्ग करता रहता है, पर दोस्तों सबसे पहले ट्रेंड जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द बेसिक अबाउट दिस इंडिकेटर। जिन्होंने ऐड किया है वो क्या कहना चाहते हैं वो मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आपको मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर रखे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक जीरो लाइन है, जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव जोन कंसीडर किया है उन्होंने, जीरो के नीचे नेगेटिव एरिया कंसीडर हुआ है। अभी यहाँ पे जो लोग बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं उनके लिए ये इंडिकेटर बनाया गया है, पर हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, जैसे ये ब्लू लाइन यहाँ पर एंटर होता है राइट ऊपर जीरो लाइन के ऊपर, तो वहाँ से वी गेट अ सिग्नल ऑफ बाय राइट। यहाँ पे आर ई डी लिखा है, आर ई डी मीन्स रिड्यूस। ओके, यहाँ पे वो रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, फिर वापस रिड्यूस, वापस रिड्यूस। ओके, और जैसे यहाँ पे लाइन वापस जीरो लाइन पे स्टिक होती है तो अगेन यहाँ पे वी गेट द सिग्नल ऑफ एड। यहाँ पे वो ऐड करने के लिए बता रहे हैं। ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी में रिड्यूस का उन्होंने बताया गया है। ओके, तो उन्होंने बताया वो कोई गलत नहीं है, आप ये चीज़ आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ जरूर कंबाइन कीजिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सेम वे रही बात सेल की, तो वो अपोजिट हो जाएगा इसका, बट फिर भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सेल सिग्नल यहाँ से मिला है। ओके, फिर आप देख सकते हो यहाँ पे वो रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं और यहाँ पे भी रिड्यूस। तो इंडिकेटर डेफिनेटली अच्छा है, आपको बस सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, बाकी मुझे लगता है इट्स अ गुड राइट। सो थैंक्स टू द पर्सन हु हैज एडेड दिस इंडिकेटर इन दिस ट्रेडिंग व्यू राइट। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि ये बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पे रिड्यूस और वापस यहाँ पे ऐड के ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। आपके ट्रेडिंग प्लान के साथ जरूर कंबाइन कीजिएगा। प्राइस एक्शन में कोई भी नेगेटिव सिग्नल मिलता है इन दिस एरिया, और यहाँ पे जब पॉजिटिव हो तब यू कैन कंबाइन विद द पॉजिटिव सिग्नल। तो बैंक निफ्टी का अभी फिलहाल के लिए जोन जो है वो ये इंडिकेटर बता रहा है, देख लेते हैं, पॉजिटिव बता रहा है। यहाँ पे रिड्यूस का आज ही हमें उसमें सिग्नल दिया गया है राइट। अभी चलिए दोस्तों मैं कैसे इसे ट्रेड विद द ट्रेंड के जो हमारा प्लेलिस्ट है उसी में मैं ऐड करूँगा ये वीडियो को। तो मैं ये चाहूँगा दोस्तों कि जिनको पोर्टफोलियो मैनेज करना है उनके लिए भी ये बेस्ट है, NSE 50 की 50 स्टॉक्स में या NSE FO के स्टॉक्स में या वॉट एवर कहीं पर भी ये चीज़ ट्रेंड डिफाइन करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जब भी यहाँ पर पॉजिटिव जोन हो देन लुक फॉर द बाय। ट्रेंड डिफाइन के लिए ये बेस्ट है, जब भी ये जीरो लाइन के ऊपर हो यहाँ पे तो आप पॉजिटिव ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं। बाय के लिए आपको यहाँ पे बुलिश सिग्नल ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। और जब ये सेल में ये एरिया जो है वो पूरा हम नेगेटिव ट्रेंड कंसीडर करेंगे, फिर यहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हो। जैसे कि जब नेगेटिव जोन हो तो गैप डाउन के साथ, पॉजिटिव जोन हो तो गैप अप के साथ। सो ओवरऑल ये मुझे बहुत अच्छा इंडिकेटर लगा। चलिए देखते हैं ITC में क्या सीन है। ITC का नाम बोलते ही हंसी आ जाती है दोस्तों। ओके, बट पॉजिटिव जोन में है अभी राइट, यहाँ से वाई का सिग्नल दिया गया है और इट्स इन पॉजिटिव। चले देखते हैं लोगों के दिल का हाल। यस बैंक इमोशनली अटैच, देख लीजिए दोस्तों कहाँ से इसमें सिग्नल 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 कहाँ से। ब्लू लाइन, अब ये ब्लू एरिया कंसीडर मत कीजिएगा एज पर आवर स्टडी। यहाँ से आपको यस बैंक में ऑलमोस्ट 1860-70 रुपीज से ये नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, बट लोगों को बहुत पसंद है। ओके, तो कुछ हो नहीं सकता राइट। और अभी देख लेते हैं लास्ट वन आइडिया, जिसका आइडिया हमें देगा ये इंडिकेटर। आइडिया का बेहाल है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कुमार मंगलम बिरला जी ने जहाँ से रिजाइन किया था ये तीन टेंडर के बीच में कहीं पे। ओके, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है दोस्तों, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे माइंड की रैम भी कम हो चुकी है एज के साथ, तो इतना यहाँ कहीं पे होगा ठीक है। बट ठीक है, जो मेन मटेरियल है वो ये है कि यहाँ से उससे बहुत दिनों पहले आपको 8.70 से सिग्नल मिल चुका था, लेकिन लोग सोचते हैं 60 आ जाएगा 80 आ जाएगा,
पर दोस्तों आप ही बताइए कि जी जो लोग ऐसा बोल रहे हैं क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? ओके नो वे, कुछ नहीं है। राइट फ्रेंड्स, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।